सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम के बीच विश्व कप 2019 का पहला मैच लंदन के कैनिंगटन ओवल मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले का टॉस साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 311 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी के आगे 39.5 ओवर में मात्र 207 रन पर आउट हो गई। मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने हवा में डाइव लगाते हुए किया शानदार कैच। इस मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने एक शानदार कैच किया है। उन्होंने सुपरमैन की तरह हवा में डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच किया है। उनके इस शानदार कैच ने सभी को काफी हैरान भी किया है। दरअसल जब इंग्लैंड की पारी का 35वां ओवर इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद लेकर आ रहे थे तो उनकी इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक में एंडी फ्लुकवायो थे। एंडी फ्लुकवायो ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार शॉट खेला। उनका ये शॉट देखकर लग रहा था कि गेंद आसानी से छक्के के लिए चली जाएगी, लेकिन तभी वहां फील्डिंग कर रहे बेन स्टोक्स ने हवा में सुपरमैन की तरह उड़ते हुए एक शानदार कैच कर लिया और अपनी टीम को एंडी फ्लुकवायो का महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए बेन स्टोक्स ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। कमेंट्री के दौरान हरभजन और सहवाग जैसे दिग्गजों ने कहा है कि यह विश्व कप 2019 का सर्वश्रेष्ठ कैच भी हो सकता है। वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।